महंत काशी में पहुंच गए? पहुंच गए हुजूर, बड़े बाजे गाजे के साथ उनकी सवारी आ रही है। काशी माँ प्रवेश कर चुके हैं। सुना है बहुत बड़े महंत हैं वो, कहाँ से आ रहे हैं? कुरुक्षेत्र में उनका अखाड़ा है हुजूर, वहीं से साल माँ एक बार काशी धाम करत है। आज शहर में इतनी सजावट क्यों की गई है, और ये कौन से धर्म के महंत हैं? धर्म के तो सभी हिंदू हैं हुजूर, पर हिंदू धर्म माँ भी बहुत से फिरके हैं। अब आपको कैसे समझाएं हुजूर? हुजूर ये शिव है, शिव की पूजा करत है। आपके यहाँ मठ मंदिर और जात पात बहुत हैं, हम तो इन्हें समझ नहीं पा रहे। बहुत है मालिक, बहुत है। ब्राह्मणों की ही 108 जाते हैं, एक एक जात की कई जाते, हजारों जाते हैं हुजूर। इतनी जातों का हिसाब कौन रखता होगा? मालूम नहीं मालिक। सवारी आ पहुंची, महंत नए मठ की बुनियाद रखने आए हैं और बड़े मंदिर माँ मूर्ति के दर्शन करेंगे। लेकिन ये मूर्तियाँ तो मुसलमान कारीगर बनाते हैं ना? ठीक कहा मालिक, वही बनाते हैं मालिक। और ये जादू क्यों ले रहा है? नीचास लोगों को रास्ते से हटाने के लिए। धाम की पर किसी कमीन का साया नहीं पड़ना चाहिए। और ये पानी क्यों छिड़क रहा है? कितना पानी छिड़क पाएगा ये? पानी नहीं, गंगा जल छिड़क रहा है हुजूर, रास्ते को पवित्र करने के लिए। किसी दंगे फसाद का डर तो नहीं? हो सकत है मालिक। हम चलते हैं, हमें खबर कर देना। ठीक है मालिक। भोजन भी सोने की थाली में करते हैं और पूजा पाठ सोने के पात्रों से होती है। इनकी आंखों की रोशनी देखी, इनकी लट देखी कैसे चमकती है। जिस किसी को भी घूर के देखते हैं आंखों से भस्म कर देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे ये शिविर कैसा? अरे कहीं सचमुच दंगा तो नहीं हो गया? अरे अरे ये तो कबीर बा है। तुम होते कौन बीच में आने वाले? अरे हम जो हैं तो हैं, मगर इस बच्चे को चाबुक नहीं लगने देंगे। भाग बेटा, बेटा भाग। तुम जानते नहीं हम कौन से अखाड़े से हैं? अभी हुक्म देंगे तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। अरे तभी तो कहा कि सूरमा हो, साधु भी हो और सूरमा भी, तभी तो बच्चे को अतमुआ करके छोड़ा। पकड़ लो इसको और इतने कोने मारो कि इसकी होश ठिकाने आ जाए। अरे चलाओ। अरे छोड़ो छोड़ो, ये तो कबीर बा है। Thank you.
राम राम। राम राम, कहिए कैसे आना हुआ? हम आपके बहुत आभारी हैं महाराज, क्या आपने हमारी बात सुनी? आप बहुत बड़े खाड़े के महंत हैं महाराज, आपकी शोहरत तो दूर दूर तक फैली है। आप हमारे इस गरीब खाने में तशरीफ लाए, इसकी हमें बहुत खुशी है। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। मगर एक प्रार्थना और भी है महाराज। जी फरमाइए। मटकी जमीन तो हमारे नाम हो गई है और जल्द ही उस पर इमारत भी खड़ी होने लगेगी, मगर मटकी जमीन के एन सामने। जी जी कहिए कहिए। महाराज, मटकी जमीन के एन सामने नीच जात लोगों की बस्ती है, और आप तो जानते हो महाराज कि हमारे धर्म में जात पात और ऊंच नीच का कितना ख्याल रखा जाता है। कौन है वो लोग? शूदर है। शूदर ही समझिए महाराज, डोम चमार है। तो आप क्या चाहते हैं, उन्हें वहां से हटा दिया जाए? महाराज, जब से हमने काशी में प्रवेश किया है हमारे मन में एक ही इच्छा थी कि महाराज के दर्शन हो जाएं। बस ये छोटी सी भेंट है आपके लिए। शुक्रिया। देखो ये कौन सी बस्ती है जो महान साहब की जमीन के सामने पड़ती है? शूद्रों की बस्ती है हजूर, लेकिन अब वो मुसलमान हो चुके हैं। जो भी है, अब महान साहब को तशरीफ लाए हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। अब हम आगे चाहते हैं। राम राम, हर हर महादेव। राम राम, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मौलवी साहब। मैं हैरान हूं साहब, यानी चराग तले अंधेरा, आप यहाँ के कोतवाल हैं और आपके कान पर जू तक नहीं रहेंगी। क्यों, क्या मामला है? किसी ने आपकी तौहीन की है? मेरी नहीं, मेरे दीन की तौहीन की है, और आज से नहीं कई दिनों से करता आ रहा है। खुलकर बताइए मौलवी साहब। कबीर नाम के किसी जोलाहे को जानते हैं आप? वो जो शायरी करता है, शेर कहता है, बकने दीजिए जो बकता है वो। ला हौल वला कुव्वत हुजूर, मस्जिद शरीफ की सीढ़ियों में खड़ा होकर दीन की तौहीन करता रहा है वो। आपकी अमलदारी में ये कह ढाया जाएगा और आप खामोश हैं? कोई जुनूनी ही ऐसी बातें कर सकता है। जुनूनी हो या काफिर, आप उसका मुंह बंद करवाइए, वरना लोग क्या कहेंगे कि खपती से डर गए। और वैसे भी आपके होते हुए किसकी मजाल कि दीन की गुस्ताखी करे। और हुजूर, अगर आप चुप रहे तो लोग कहेंगे यहाँ का राजा चूंकि हिंदू है तो जो उठे दीन के खिलाफ बात कर ले, कोतवाल कुछ नहीं कर सकता। हुजूरे वाला, आप यहाँ दिल्ली के सुल्तान के ही नुमाइंदा नहीं है, अल्लाह जल्लो शानहु के दीन के भी नुमाइंदा हैं। उसके शेर और फिक्रे लोगों में मशहूर हो रहे हैं, जहां खड़ा होता है मजमा लगा लेता है, नीच जात के लोगों में इश्तियाल फैला रहा है। आप ये मत समझिए कि हम इन बातों से बेखबर हैं। दीन की खिदमत मुल्ला मौलवी उतनी नहीं करते जितनी के एक हाकिम करता है। ये बात अपनी गांठ से बांध लीजिए मौलवी साहब। अब बताइए कबीरदास क्या कहता है? हुजूर कहता है मंदिर मत जाओ, मस्जिद मत जाओ। पंडित पुजारियों को भी गालियां देता है और मौलवी मुल्लाओं को। पंडित पुजारियों को गालियां देता है तो दे, लेकिन हमारे मजहब को कोई गाली मत दे। और वैसे भी जो आदमी लोगों को दीन के खिलाफ भड़काता है, असल में वो लोगों को निजाम के खिलाफ ही भड़काता है। उसका यही मतलब समझना चाहिए कि लोगों को सरकश बना रहा है। कौन लोग हैं उसके साथ? बहुत लोग तो नहीं हैं, उस जैसे बेदीन शेर कहने वाले ही हैं, लेकिन नीची जात के लोगों हिंदू मुसलमानों में उसकी बातें काफी मशहूर हैं। संतन जात न पूछो न पूछो नरगुनिया, जात ब्राह्मण सात छात्री सब जाते बुनिया। ये कौन है? हजूर, बाहर गली में कोई गा रहा। क्या ये कबीर है? नहीं हुजूर, ये कबीर दास नहीं है, उसको मैंने देखा है, ये तो कोई अंधा फकीर है, गा गा के भीख मांग रहा है। पर हुजूर, ये कबीर दास के गीत गा रहा है हमारे ही घर के सामने, इसको अंदर बुलाओ। हुजूर, कबीर और इसके साथियों के गीत बहुत से लोग गाते फिरते हैं हुजूर। राम राम कोतवाल साहब। राम राम।
ये तुम क्या गा रहे थे? हजूर एक गीत है, वही गुनगुना रहे थे। तुम्हें ये गीत किसने सिखाया है? सिखाया तो नहीं, एक बार कबीर दास के मुंह से सुना था तो याद हो गया। तो तुम कबीर दास के बहुत से शेर गाते हो? बहुत से तो नहीं मालिक, बस एक दो ही आते हैं। कोई और शेर सुनाओ। साधन माँ 36 जात है, साधन माँ 36 जात है, शिव ऋषि सो भंगिया, हिंदू तुर्क दुई दीन बने हैं, कछु नहीं पहचनिया, कछु बस 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 ठीक है, ले लो अपना इनाम। आपका रहम बना रहे मालिक, आपका रहम बना रहे। शहर में अकेले तुम ही कबीर दास के शेर गाते हो या कोई और लोग भी हैं? और भी गाते होंगे मालिक, कहाँ मालूम। ले जाओ इसको। जो आ गया। राम राम मालिक। और इसको 5 घोड़े लगाओ और सबको खबरदार कर दो कि अगर फिर कभी ये कबीर दास के शेर गाता पकड़ा गया तो मैं इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। और सुनो, इधर शोर मत हो। अब तुम क्या समझते हो हमने इस बेकारी फकीर को सजा क्यों दी और कबीर दास को क्यों नहीं पकड़ा? हजूर इसलिए कि सब काम हिकमत से किए जाते हैं। कबीर दास को सजा देना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि उसकी बात सुनने वालों के दिल में दहशत फैला दी जाए। चलो अब महंत साहब की सामने वाली बस्ती को जलाकर राख करने का बंदोबस्त करो। जला डालो उस बस्ती को, जला डालो। चली हुई झुकी मां, यहां सेहन मां मेरी खड्डी होती थी और पिछली तरफ बापू की, दोनों ही जल गए। अब ना बापू रहे ना ही खड्डी। अब तू इस घर में आ गई है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं जला हो। इस झुकी मां रोशनी हो गई है। जब मैं तुझे लेने गया तो मां मुझे बड़े चाव से कहने लगी कि कबीर मुझे बाजार से जाकर तेल ला दे। मैंने कहा माँ यहाँ तो दरवाजे ही नहीं, तू अपने बहू के आने पर तेल कहाँ डालेगी? तू कुछ बोलती नहीं। मैं बहुत बोलता हूँ ना, सभी कहते हैं कबीर तू बहुत बोलता है, इतना मत बोला कर। जब उन्होंने तुझे गंगा जी में डुबोने की कोशिश की तब मैंने देखा था। अरे शुक्र है तू बोली तो सही, मैंने तो समझा के लोई गूंगी है। मैं तो भीड़ में खड़ी थी, मुझे तो लगा कि तू डूब ही जावेगा। मैंने तेरे दर्शन जो करने थे लोई, मैं कैसे डूब सका।
मेरा बापू कहा था कि एक दिन ये लोग कबीर को मार डालेंगे। तेरा बापू बड़ा मेहरबान था लो। तू घर से भाग गया था ना? तुझे ये भी पता है? हाँ, मैं घर से भाग गया था। मैं जंगलों में चला गया था लो। तो अब क्या तू फिर भाग जावेगा? नहीं, अब नहीं भागूंगा। तेरे जैसे का भरोसा? अरे जो अपने माँ बाप को छोड़कर जा सकत है, वो मुझे छोड़कर काहे नहीं जा सकता? अरे तब मैं बहुत बेचैन था, अंधेरे में भटक रहा था, मगर अब मैं जानत हूँ कि सच्ची भक्ति घर में रहकर भी की जा सकत। जोग जाप तप सब घर ही की सच्ची साधना होवत है। अरे कबीर बा, अरे का बात करे है, मारे को तो लागे है तू अपनी बातों से लोई को भी अपने साथ ही मिलाई लवेगा। लो, मुझे काहे मिलाने लगा अपने साथ? ये ऐसी बातें मैं ना समझू ना जानू, ये बातें मेरे पल्ले में पड़ने की नहीं है। भी इसको घर में बांध के रखेगी ना तो मैं जानू तारे प्यार के जादू का कितना असर हो रहा है। काहे ये बड़ा कोई जानवर है जिसको बांध के रखना पड़ेगा? अच्छा भला इंसान तो है। अरे मारा मतबल है, अब इसकी देखभाल तय करेगी, मारे बस में इसके सारे काम अपना ही रहे। अगर मैं इसकी देखभाल करूंगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? आदमी देखभाल करत है कि औरत? अरे रे कबीरवा, ये तो बहुत होशियार है रे, ये तारे को सही से काबू में रखेगी। अपनी अम्मा को तो चाल रहे है ना, पर इसका सामने तारी दाल नहीं गलने वाली रे। अरे बहू, अब इका घर बस गया तो मारे तो मन की इच्छा पूरी हुई, पर मारे को एक दुख है री बहुत। तारे को ब्याह के बिलाए तो कैसे घर में? जैसा भी है अपना घर तो है, पर अच्छी भली झुग्गी थी दुश्मनों ने जला डाली। ओ कबीर को इस बस्ती माँ से निकालना चाहे थे, कबीर की सोहरत उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होवे थी, जालमों ने सभी कुछ डला डाला रे, काचू नहीं बचा, सब जला डाला। इब न सर पे छत है, न काई दीवार, न खटिया, न पीढ़ी, सब जला डाला रे जालमों ने, सब जला डाला। सुन, बोल। तू साधु है ना? मैं तुझे साधु दिखत हूँ। अरे लागत तो जलाहा है, मगर एक बात मेरी समझ में आती है, अगर जलाहा होता तो मुझे ब्याह कर कहे लाता? लोई मैं जलाहा ही हूँ। जलाहा है तो ऐसी बातें काहे करत है? क्या पोथी पत्रे पढ़त हो? ना ही तो। तो फिर क्या भूत प्रेत भगावत हो, जादू तो ना करत हो? हाय रब्बा, ना ही। नहीं तो क्या लकीरें देखत हो, ज्योतिषी हो क्या? ये भी नहीं। नहीं तो लोग ऐसा काहे कहते हैं? मैंने सुन रखा है कि तू आसन लगाता है। आसन तो नहीं लगाता, पर हमार मंडली बैठत है, सवेरे सवेरे किसी दिन लेकर चलूंगा तुझे। और वहाँ क्या होवत है? वहाँ हम भगवान का नाम लेवत है। देखा, यही तो मैं बोल रही थी कि तू साधु फकीर है, अभी समझी। साधु होता तो तुझे ब्याह कर क्यों लाता? हाँ, ये बात तो मेरे मन में भी आई थी कि साधु फकीर ब्याह थोड़ी ना चाहते हैं। अरे हाँ, तू साधु बनना चाहता था और तेरे माँ बाप ने तेरा ब्याह करा दिया है ना, तेरी माँ भी तो ऐसा ही बोल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तो सब समझ जाएगी लोई। आहिस्ता आहिस्ता का है, मैं सब समझती हूँ। का समझत है? यही कि तू घर से भाग कर जंगल में चला गया था, वो भी दो बार। क्यों, ठीक बोला ना मैंने? हाँ, तो आंखें बंद कर, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। आंखें काहे बंद करूं, ऐसे ही दिखा। अरे साधुओं से डर लगता है। अरे तू आंखें बंद तो कर। का पता तू फिर भाग जाए? अब ना ही भागूंगा, तू आंखें बंद कर। ना बाबा, कुछ को तो दिखाना है, तू ऐसे ही दिखा। अच्छा भैया, अगर आंखें नहीं बंद करनी तो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो जा। हाँ, ये चुन्नी है लोई, मैंने तेरे लिए बनाई है। सच?
तूने बनाई है अपने हाथों से? हाँ, कितनी फप रही है तेरे पे। ये हम खड्डी पर बनाते हैं लोई, और साथ साथ मैं अपनी कविताएं भी लिखता हूँ। प्रीतम को पतियां लिखूं जो कहूं होए विदेश, तन में मन में नैन में ताको के हासन दे। मुल्ला जी, कैसे आना हुआ? ये कबीर कहाँ है, कुछ बातें करनी थी। कबीर बाजार कपड़ा बेचन गया है, क्या बात करनी थी आप मारे को बताई दो। तुम्हें क्या बताऊं बहन, ये कबीर अपने हाथों से अपने रास्ते में कांटे बो रहा है। क्या मतलब है आपका? अब उस लड़की लोई को ही देख लो, उसके माँ बाप कौन है, कुछ खबर है किसी को? अरे मुल्ला जी, लोई साधु को नदी माए टोकरिया में तैरती हुई मिली थी। जब साधु ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उसने उसे बचाई लियो, फिर उसी साधु ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। पर कबीर किसी औरत को किस तरह अपने घर रख सकता है, ना निकाह ना ब्याह, और ये तो बिल्कुल खिलाफ शरीयत है। अरे मुल्ला जी, लोई कबीर को जंगल में साधु की कुटिया में मिली थी, उस साधु की मौत हो गई, अब वो अकेली वहां नया रह सकती, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो कबीर ने अच्छा नहीं किया, उसे अपने घर ही ले आयो। उलोई ने एक काले रंग की चादर से अपने तन को ढापा हुआ था, तो कबीर ने उसका ना ही लोई रख दियो। रही बात निकाह की मुल्ला जी, तो उस साधु ने नौकरा निकाह कबीर से कराई दियो था। आप काहे को परेशान होते हो, वो दोनों तो बहुत खुश हैं। पर वो साधु कौन था, किस मजहब से था, किस धर्म से था? धर्म जात का तो मारे को नहीं पता, पर मैं इतना जानत हूँ मारा कबीर वा उसकी संगत में आवे था जावे था, उसको बहुत बरसों से जानत था। देखो बहन, कबीर ना तो कभी मस्जिद आता है और ना ही कभी नमाज पढ़ता है। मस्जिद से आती अजान की सदा का भी उस पे कोई असर नहीं होता। मुल्ला जी, वो मस्जिद ना ही जाए है, पर वो हर समय भक्ति करत है, वो तो ये भी कहत है। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, ताचड़ मुल्ला पांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से तुम बदनाम हो रहे हो, तुम दीन की तौहीन कर रहे हो, मजहबी असूलों का मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हारी शिकायतें लोधी सुल्तान तक जा रही हैं, तुम्हें पकड़ा भी जा सकता है, तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है। मगर मैंने तो कभी किसी का नुकसान नहीं किया, मैं तो हर किसी से प्यार करत हूं मुल्ला जी। मेरे पास हिंदू साधु भी आवत है और मुसलमान मौलवी भी, मैं तो अपना काम करते हुए भी भक्ति का काम करता रहत हूं। पर तुम किसी पीर फकीर बुजुर्ग की परवाह ही नहीं करते। ये बात ना ही मुल्ला जी, मैं तो बस यही कहत हूं, कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर ना जानिए सो का फिर बेपीर। लाहौल वाला कुवत, तुम दूसरों को काफिर कहते हो लेकिन काफिर तुम खुद हो, तुम अल्लाह जल्लो शानहु की तौहीद को नहीं मानते। मैं तो एक खुदा की बंदगी करत हूं मुल्ला जी, एक साहिब के गुण गावत हूं, साहिब मेरा एक तू और ना दूजा कोई, जो साहिब दूजा कहूं दूजा कुल के होए। देख लो कबीर का ये इस्लाम मुखालिफ प्रचार उसके मुखालिफ भी जा सकता है, उससे कह दो कोई ऐसी बात ना करे जिसका उसे खमियाजा भुगतना पड़े। अब मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। हमारी बात भी सुनकर जाओ मुल्ला जी,
कबीर को भी आपका ये संदेशा दे दूंगी, पर मारे को पक्का विश्वास है कबीर कोई गलत काम नहीं करे है। आपकी मर्जी, मगर उसे कहना कि कोई ऐसी बात ना करे जिससे दीन की तौहीन हो। आया बड़ा दीन का रखवाला, कबीर की शोहरत लोगों से बर्दाश्त नहीं होवे है। अरे वो कौन है? अरे हम हैं पंडित राम किसान। मुल्ला जी, पंडित आ जाइए, पंडित जी दरवाजा तो खुला ही है। राम 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 निम्मा बहन। राम राम पंडित जी। ये कबीर कहाँ है? कबीर कबीर ही है, घर में ही है। निम्मा बहन जरा कबीर को समझाई लो, ये हमारे धर्म के खिलाफ बात करत है। क्या बातें करत है? ये कहवे है कि पाखर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तातो चाखी ही भली पीस खाए संसार। अरे ये तो हमारे मंदिर बंद करवाई दे, पुजारी बतावत है कि लोग मंदिर में जाने के बजाय कबीर की मंडली में जावे हैं। ये तो सीधी सी बात है पंडित जी, कबीर की बातें लोगन को सांची लागे हैं, यो भक्ति का असल मार्ग जो बतावे है। अरे ये तो ये भी कहवे है भक्ति गेंद चौगन की भावे ले जावे कोई, इसने तो भक्ति को गेंद की खेल बना डाला है। नहीं नहीं पंडित जी, ये बात नहीं, मैं तो सच्ची भक्ति के हक में हूं, भीकी रीतों के खिलाफ हूं। भक्ति वेख बहु अंतरा जैसे धरत आकाश, भक्त लीन गुरु चरण में वेख जगत की आस। अरे ये खुद को गुरु समझता है, किसी और को तो कुछ समझता ही नहीं। ये बात गलत है, मैं तो अपनी बातें इतने साफ और स्पष्ट अंदाज से कहवत हूं कि हर किसी को उनकी समझ आ जावत है। मगर आप लोगन तो इतनी कठिन भाषा बोलत हो कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आवत। भला गुरु के बारे में इससे साफ और स्पष्ट बात और कौन सी हो सकत है पंडित जी? गुरु पोथी शिष्य कपड़ा, सापन सृजन हार, सुरत शिला पर धोई ये निकसे जोशी अपार। अरे ये गुरु को परमात्मा से पहले नमस्कार करे है, रब से बड़ा समझे है। ये तो ये भी कहवे है गुरु गोविंद धोए खड़े काके लागो पाए, बलहारी गुरु अपने गोविंद यो मिला। ठीक ही करत है पंडित जी, क्योंकि गुरु ही बंदे को रब तक ले जाने का सबब बने है। गुरु जी आप तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते हो ना, कबीर तो रब के रूठने से ज्यादा गुरु के रूठने से डरत है। कबीरा तेनर अंध है गुर को कहते और, हर रूठे गुर ठौर है गुर रूठे नहीं ठौर। बस 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 बस, हमें इसके उपदेश स्वीकार नहीं, हम मूर्ति पूजक हैं, हम सरगुण भगवान को माने हैं, हमारे मंदिर और शिव भगवान के अपने अपने घर हैं। कबीर लोगों को मंदिर में जाने से मना करता है, इसी वजह से लोग मंदिर में जाने की बजाय कबीर की खिलाफत कर रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है पंडित जी कि हिंदू और मुसलमान दोनों मेरे खिलाफ बोलत हैं। हालांकि हिंदू हो या मुसलमान, मेरे पास बड़े दोषो खरोश से आवत है। आखिर मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? मैं तो हर किसी के भले की बात करत हूं, लोगों को बहमों भरमों से मुक्त करत हूं, लोगों को प्यार का पाठ पढ़ावत हूं, आखिर आप मुझसे चाहवत क्या? हम चाहवत हैं कि तुम अपने उपदेश रोक लो, हमारी पूजा पाठ को बुरा भला ना कहो, ना ही हमारे मंदिर के खिलाफ बात करो, हमारे रीति रिवाजों का ख्याल रखो, और अगर ये बाज ना आया तो क्या करेंगे आप? तो हम सुल्तान लोधी से तुम्हारी शिकायत करेंगे। तो वो का आपकी बात मान लेगा? अरे क्यों नहीं मानेगा, मुल्ला फखरुद्दीन भी हमारे साथ है। इसका मतलब है आप दोनों इसके खिलाफ हो गए हो? हाँ, क्योंकि ये दोनों धर्मों के खिलाफ बात करते। मैं तो सिर्फ पाखंड के खिलाफ बोलत हूँ। इसका फैसला सुल्तान लोधी खुद करता है। अरे कबीर बाप, ये बहुत जालिम संसार है रे, तू ठीक ही कहते। पंडित और मशाल जी दोनों सूझी नाही, औरन को कर चांदना आप अंधेरे माही। ज्ञान रतन की कोठड़ी
आप रोज कहाँ जावत हो? अरे उधर एक महात्मा बैठे थे इब्राहिम, पहले तो मैं उनकी बातें छुप कर सुनता था। पहली दफा जब उनकी बात सुनी तो सारी रात नींद ही ना आई। वो प्रेम की बात करते हैं इब्राहिम, ऐसा प्रेम जिसमें ना व्रत उपवास है, ना पूजा पाठ, ना ऊंच नीच, ना तेर मेर, केवल प्रेम, सच्ची भक्ति। अरे ये प्रेम सुनो कबीरदास। क्या हुआ सेना, इतने घबराए हुए क्यों? तुम्हें वो फकीर याद है जिसकी कुटिया में तुम एक मर्तबा गए थे? अरे हाँ, बड़ा मीठा गला है उसका धर्मदास, गावत है तो ऐसा लगत है कि आसमान से चांदनी झरझर कर गिरत है। वो तुम्हारे शेर बाजार में गा रहा था तो? और कोतवाल ने सजा के तौर पर उसे कोड़े लगवाए और चौथे ही कोड़े पे वो दम तोड़ गया। मर गया बहुत बहुत भला भला आदमी था वो। उसकी माँ मुझसे कहती थी, जब से तेरे गीत गाता है भीड़ इकट्ठी कर लेता है, जब से तेरी कविताएं गाना शुरू हुआ है बिटवा, हमारे घर में चूल्हा चलने लगा है। क्या बीत रही होगी उसकी माँ पर? राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। अरे इब्राहिम जी, गुरु जी, अरे और भी तो लोग गावत हैं हमारे गीत, कितने चाप से हमारे पास आवत हैं। अरे इको कोतवाल मरवा सकत तो ऊ लोगन की भी जान परवाना आएगी। गुरुजी, मैं तो कहा तो हमें लोगों को मना कर देना चाहिए कि वो हमारे शेर गली बाजारों में ना गए, ताकि किसी और को मजीद नुकसान ना पहुंचे। नहीं धर्मदास, इस बात का ये उपाय नहीं। कोतवाल तो यही चाहत है कि हम चुप हो जाएं, पंडित और मुल्ला भी यही चाहत है, मगर अब हम चुप ना ही होंगे, हम समागम करेंगे, हम सत्संग लगाएंगे इब्राहिम। जी गुरुजी, हम सत्संग जरूर लगाएंगे। पर गुरुजी, हम सत्संग लगाएंगे कहाँ? कहीं भी, किसी भी सड़क के किनारे पर। अरे वहां भी एक ऐसा ही चबूतरा है, वहीं बैठ जाएंगे, गलियों में घूम घूम कर गाएंगे। भला हुआ मेरी गगरी फूटी, 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 तो पतिया भरत से फूटी, सर पे चली बजाओ, मोरे सर पे चली बजाओ, बजा मोरे सर पे चली बजाओ, मोरे सर पे चली बजाओ। और हर जात के आगे अलग अलग गोट हो गए हैं भाई, इतनी
जातों का हिसाब किताब कौन रखता है भला? अरे हमारी विद्या और कौन? पर मैं समझा नहीं, कुछ लोग लाल तिलक लगाते हैं, कुछ सफेद, कुछ लाल और सफेद दोनों। जो सफेद तिलक लगावे हैं वो शिव की पूजा करते हैं और जो लाल लगावे हैं वो देवी को मानते हैं। पर कुछ लोग यूं सीधा करके तिलक लगाते हैं, कुछ लोग सीधा करके दरमियान में बिंदिया। जो सफेद तिलक लगावे हैं वो विष्णु को मानते हैं और तीन लकीरें और दरमियाने बिंदन। मैं समझा नहीं, कुछ लोग एक लकीर लगाते हैं, कुछ दो और कुछ तीन। अरे जो एक लकीर लगावे हैं वो ब्रह्म को मानते हैं। और दो? जो ब्रह्म और जीव दोनों को मानते हैं। और तीन? जो ब्रह्म जीव और प्रकृति को मानते हैं। और जो टीका ना लगाए? अरे जो ब्राह्मण हो के टीका ना लगाए हम उसको चंडाल मानते हैं। वो इसका मतलब है मैं चंडाल हुआ? अरे हम ब्राह्मण की बात कर रहे थे। क्यों भाई, आपको हम मुसलमानों को कहते नहीं चंडाल, और आप ब्राह्मण लोग क्या कहते हो हमें? मलिक। अरे आप तो इज्जतदार मौलवी हैं, ऊंचे बंदे की जात नहीं पूछी जाती। देखिए हमारे हिंदू धर्म में जात पात का तो बहुत ख्याल रखा जावत है, महंतों के फैसले टाले नहीं जा सकते। और देखा महंतों ने मठ बनाने का फैसला कर लिया तो शूद्रों को बस्ती खाली करनी पड़ी। पर ये फैसला तो सुल्तान का है। अरे सुल्तान किसी भी धर्म के साथ नाइंसाफी नहीं करते, धर्म की मर्यादा तो सदियों से चलती आ रही है, वो टाली नहीं जा सकती। हाँ अरे भाई, जिनको आप शूद्र कहवत हो उनका अब हिंदू धर्म से कोई सरोकार नहीं, कोई हिंदू महंत उनसे धोखा नहीं कर सकता। हाँ अरे मुसलमानों के साथ उनकी जात नहीं बदली जा सकती, वो रहेंगे तो हमेशा शूदर ही ना। अरे जब धर्म ही बदल लिया तो फिर कैसे? अरे धर्म तो आपके पिछले जन्मों के कर्मों से मिलता है, जिस जन्म में आपका जन्म हो गया वही आपकी जात मानी जाएगी। हिंदू धर्म तो यही है और वो रहेंगे तो हमेशा चंडाल के चंडाल ही ना। क्या चंडाल मतलब? अरे वो मांस खाते हैं और मठ के पास भी नहीं जाते। अरे वो मुसलमान हो चुके हैं, मांस तो सारे मुसलमान खाते हैं ना। अरे पर वो नमाज भी तो नहीं पढ़ते। अरे सब पढ़ते हैं। अरे उनमें से काफी दारू पीते हैं तो फिर मुसलमान कैसे हुए? अगर वो गुनाह करेंगे तो उनको सजा मिलेगी, पर अब वो मुसलमान हो चुके हैं। अरे भाई पहले तो वो चंडाल ही थे ना। अरे भाई ये कौन है क्या करते हैं इसका फैसला बस लोधी सुल्तान ही कर सकता है, हम नहीं। तू तो करता तू भया मुझ में रहा नहूं, तू करता तू भया मुझ में रहा नहूं। वारी तेरे नाम पर जित देखूं तित तू, वारी तेरे नाम पर जित देखूं तित तू। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित हुआ ना कोए, हिक्के अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वाह गुरु जी। सुनो कबीर दास, प्रतिभा जानी सलाहियत गलियों में फेंकने वाली चीज नहीं, ई तो एक अनमोल हीरा है जिसकी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। अच्छा सभी से पहले तुम्हें कविता के लक्षण सीखने चाहिए, तुहार भाषा बहुत रुखड़ी रुखड़ी विदेश भाषा है, कहीं राजस्थानी शब्द घुसेड़ देते हो तो कहीं पंजाबी के। मैं कोई कवि नहीं हूं साहेब, हमार तो जो मन में उठत है हम बोल देते, यही खंडन मुंडन ये कवि का काम नहीं। कवि की साधना तो सरस्वती देवी के चरणों में होवे है, गलियों बाजारों में नहीं। तुम तो कहत हो संस्कृत अंधाकूप है और भाषा बहता नहीं, नहीं बिल्कुल गलत, भाषा तो बहते जल की तरह शुद्ध और साफ होनी चाहिए। गवारू भाषा में कभी कोई कविता कहत है? हम तो ठहरे पागल, हमारे मुंह मत लगिए, अनाप शनाप बोलते रहते हैं हम। मैं नहीं चाहता कि आपके उजले कपड़ों पर कोई छींट पड़े। सुनो कबीरदास, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आ रहे हैं, तो बिहार की फतह के बाद लौट रहे हैं दिल्ली, काशी के रास्ते से होकर जाएंगे। हाकिम लोग सोचत हैं अगर तुम यहाँ रहे तो झगड़ा भी हो सकत है, और तुम्हार सत्संग? सत्संग तो लगेगा साहेब, सत्संग के कारण ही तुम्हार झोपड़ियां जली थी,
याद है ना? वाह, मस्जिदों में गोला बारूद है और पंडितों के पास नेजे हैं, भाले। हमार पास तो हमारा ये खड़ताल है साहेब, इसके होते झगड़ा काहे। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट का है नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। तुहार मर्जी। इब्राहिम जी। गुरुजी। धर्मदास जी। गुरुजी, क्या हिंदू और मुसलमान दोनों मेरे खिलाफ बोलत है? ये ठीक ना ही गुरुजी, आम हिंदू बिल्कुल ऐसा ना सोचत, वो तो आपके विचारों की कदर करत है। हाँ, पंडित जैसे लोग आपकी बातों को पसंद नहीं करत, क्योंकि इसकी वजह से उनकी गद्दी हिल जावत। लोगों ने तो मंदिर जाना भी छोड़ दिया है गुरुजी। ये बात तो आम मुसलमानों के बारे में भी कही जा सकत है गुरुजी। वो लोग आपके ख्यालों का बुरा नहीं जानत, वो तो आपकी साफ गोई को पसंद करते हैं। पर ये मुल्ला पंडित जैसे लोगों को तो आपके शब्द बहुत चुभत है गुरुजी। ये लोग ही थे जो आपकी अम्मा नीमा के पास शिकायत लेकर आए थे। तौबा तौबा, ये लोग तो आपको गालियां भी देते हैं गुरुजी। उनकी परवाह न करो इब्राहिम, और ना ही उनको जवाब दो। आवतार एक है, उल्टत हुए अनेक, कहे कभी नहीं उल्टी ये रही एक की ये। कहां से आया कहां जाएगा खबर करो अपने तन की, कहां से आया कहां जाएगा खबर करो अपने तन की, सदगुरु मिले तो भेद बतावे तुम जावे अंतर की। अरे एक लोगों को तो आपके शब्द बहुत चुभत है, आपकी हर बात उनको कड़वी लागत है। आप कहते हो कि तस्बीह माला फेरन खंडत है, पर वो लोग अपने चेलाओं पैरोकारों को तस्बीहां बांट फिरते हैं ताकि वो राम राम और अल्लाह अल्लाह का सिमरन करें। यही उनकी गलती है। माला फेरत दुख भया फिरा न मन का फेर, कर को मन का डार के मन का फेर। पाबंदी लगावत हो, आप मांस खाने के खिलाफ हो, आप कहत हो कि बकरी खाती पात है ताकि काड़ी खाल, जो बकरी को खात है कुकू कौन हवाल। खाने पीने का सीधा संबंध इंसान के मन से होता है। जैसा अंजल खाइए वैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए कैसी पानी सोए। ये तो हालात ऐसे है गुरुजी कि जब कोई दुखी होवत है तो भजन करने लग जावत, वैसे कभी भी प्रभु भक्ति के बारे में नहीं सोचता। यही तो उनकी गलती है धर्मदास। सुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोए, जो सुख में सिमरन करे तो दुख का है का होए। पंडित राम किशन जैसे लोग कहते हैं कि आप लोगों को तीर्थ यात्रा से भी रोकत हो। दिन को रोजा रखकर शाम को जीव हत्या करने से खुदा कैसे खुश होगा। दिन जो रोजा रखत है जात खनत है गाये, ये तो खून बह बंदगी काहे की खुशी खुदाए। कहां से आया कहां जाएगा कब्र करो अपने तन की, कहां से आया कहां जाएगा कब्र करो अपने तन की।
गिरफ्तार कर लो इस कबीर को, शहर में बदमनी बनाने से ये बात नहीं आता। ले चलो इसको, ले चलो। भक्तों की हिम्मत भी बढ़त रही। अरे वो देखिए इसका एक और भगत आवे है। ओ भाई कहाँ से आवत हो? अरे कहाँ को जावत हो? अरे हम तो भगवान को एक भेंट चढ़ाने जा रहा हूँ। ला लाओ हम चढ़ा देवत हैं। अरे तेरी कमाई सफल बना देवत है। पर भगवान होवे कहाँ? यहाँ मंदिर मा। अरे अपने असली घर मा। अंदर तुहार भगवानों ने हमार नहीं। हमार? हाँ तुहार। राम 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 राम, कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान जी कभी दो होवत है? दो होवत तो ना है, पर तुम लोगों ने बना दियो है। हमने? हाँ, एक भगवान तुम पुरोहितों का और एक हम गरीबों का। राम 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 राम, ये गलत है। ये पाप है। भगवान के बोले एक ही होवत है। अरे सृष्टि का मालक तो एक ही होवे है। थारा भी वही और हमारा भी वही। तो फिर हमका अंदर जाने दो। राम 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 राम, तुहार मंदिर मां? हाँ हम अंदर जाके पान को खुद ही भेज चढ़ाऊंगा। तो तुझे होश है? तेरी अकल तो ठिकाने है। काहे? तू अंदर नहीं जा सकत हो। पर काहे? ई करके तू शूद्र है। अरे तेरी जात नीची है। अच्छा नहीं जाता तुहार मंदिर मां? अपना भगवान खुद ही ढूंढ के उसे भेंट चढ़ा दूंगा मैं। अरे 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 अरे, तू खुद ही भेंट चढ़ाएगा तो हम क्या करेंगे? अरे हम ऐसे ही तिलक लगाए बैठे हैं भाई, ये तो हमको ना ही पता। हम बालक हम समझा देवत है, भगवान ने हमें खुदाई यहाँ भेजा है। अरे तेरी पूजा के लिए भेजा है। लोगन की बात भगवान तक पहुँचाए और भगवान की बात लोगन तक पहुँचाए। भगवान का कोनो परवाना तुम लोगन के पास है ता हमको भी बताओ। है ना? ये वेदों में लिखा है। अरे ये रीति रिवाजों में लिखा है। तुम लोगन ने खुद ही लिख लिया होगा। अरे अरे तू तो बहस करने लगा। अरे तू तो जरा करने लगा। चलो नहीं डरते हम जरा। अरे हम तो अपने रास्ते जा रहे थे, तुम्हें लोगों ने हमका आवाज मार के रोक लिया। अरे 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 अरे, रोकते नहीं, भगवान इधर है और तुम उधर जा रहे हो। हाँ भाई दुकान इधर है तो ग्राहक वहाँ क्यों जाए? राम 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 राम, भगवान के मंदिर को दुकान कहता है मूर्ख। अरे पूजा को व्यापार बोलता है। तुझे शर्म है? तेरे होश तो ठिकाने हैं। पहले होश ना ही थी पर अब आ गई है। कहा मतबल? मतबल ही कि तुम लोगों ने हमका काफी देर बेवकूफ बनाए रखा। अरे भगवान तो केवल एक ही होवे है और हम भी तो उस तक सीधा जाने का आग्रह रखा। तुम लोग अपना भगवान रखो मंदिर में, हम अपना खुद ही ढूंढ लेंगे। पंडित जी। जी प्रोहित जी। ये सब किया धरा वो कबीर का है। हाँ उनका कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा। साधु भूखा भाव का, धन का भूखाना है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखाना है। धन का भूखा जो फिरे सो तू साधु ना है। धन का भूखा जो फिरे सो तू साधु ना है। साध कहावत कठिन है, लंबा पेड़ खजूर। साध कहावत कठिन है, लंबा पेड़ खुजू। चले तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचू। चले तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचू। साधु ऐसा चाहिए, दुखे दुखावे ना है। साधु ऐसा चाहिए, दुखे दुखावे ना है। पाठ फूल छेड़े ना है, बसे बगीचा माहे कबीरा। पाठ फूल छेड़े ना है, बसे बगीचा माहे कबीरा। बसे बगीचा माहे।
हुजूर, इब के सुना है कबीर दास एक नया सोसा छोड़ने जा रहा है। वो क्या? हुजूर सत्संग के साथ भंडारा भी लगाने जा रहा है। ये भंडारा क्या होता है? हुजूर सब लोग मिलकर भोजन करेंगे, हिंदू तुर्क चमार नाई सब लोग मिलकर भोजन करेंगे हुजूर। तो इससे क्या होगा? हुजूर नाम ले रहे हैं भगवान का और आंखें दिखावे हैं बादशाहों को। हमें क्या आंखें दिखाएंगे, हमसे भूल हुई। अगर एक दफा इन्हें हाथी के पैरों तले रौंद दिया जाता तो इनके सब सत्संग और भंडारे खत्म हो जाते। हुजूर बोलो। लश्कर वहां से चल पड़ा है, बादशाह सलामत काशी में पहुंचना ही चाहते हैं। उनकी आमद के दूसरे दिन शाही दरबार का इंतजाम कर दिया जाए। जो आज्ञा हुजूर। बादशाह सलामत ने यह ख्वाहिश जाहिर की है कि वो अपने निवास के दिनों में कबीर दास नामी फकीर से मिलना चाहते हैं। उससे मिलना चाहते हैं? लेकिन हमने उसे और उसके साथियों को हवालात में डाल दिया है। हजूर वो फरमा रहे थे कि उनके पीर शेख तकी कबीर दास का बहुत जिक्र करते हैं, इसलिए वो कबीर दास से मिलना चाहते हैं। वहां कुछ गुलाब के अड़ा भी छिड़कवा देना, मुमकिन है बादशाह सलामत उसे वहीं पर मिले। और सुनो, बादशाह सलामत को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि उसके झोपड़े को आग लगा दी गई थी या उसे और उसके साथियों का हवालात में डाल दिया गया था, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। जी हजूर। अरे कौन है भैया? शाही अहलकार। आ जाओ। कबीर साहब के लिए फरमान है। क्या फरमान है? फरमान बनाम कबीर। इस फरमान के मुताबिक कबीर साहब को कल दोपहर 2 बजे शाही दरबार के दीवाने खास में तलब किया गया है। उनके खिलाफ शिकायती बड़े काजी साहब और शेख तकी कुछ सवाल पूछेंगे। दस्तखत बुराए काजी अमीनुल्लाह दरबारे लोधी बनारस। क्या होगा रे? अम्मा कौन था? अरे बेटा वो सुल्तान का हंकारा। क्या कहा था? वो कहता सुल्तान ने तारे को दरबार में बुलायो रे। का है? एका तो उसने ना ही बतायो, पर मन ने पक्का विश्वास हो गया रे ये शहर के पंडित मुल्ला तारे को नुकसान पहुंचाना चाहत है रे। लगत तो मुझे भी ऐसा ही है अम्मा। इब्राहिम और धर्मदास ने मुझे बताया, मगर मैं हर विपत्ति के लिए तैयार हूँ। तुम तो तैयार हो मगर हम तैयार नहीं हैं। अभी अभी तो कैद से छूट कर आए हो तुम। तुमको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं होगा लोई, मैं सबको जवाब दे दूंगा। सिकंदर लोधी बहुत जालिम सुल्तान है, उसने हजारों मंदिर ढाए हैं, सैकड़ों हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया है। तुमको भी कोई सख्त सजा दे सकत है। का है? हमें ही क्यों? अब ई तो वही जाने, पर हमको बहुत डर लग रहा है। अरे बिटवा मारे को तो यो खबर भी लागी है कि उस शेख तक की उक्का जी पंडित राम के सदर मुल्ला फखरुद्दीन इस सारे तारे खिलाफ होएगी। काजी को तो मैं नहीं जानता माँ, मगर शेख तकी से मिला हुआ हूँ। अपने आप को इस्लाम का बहुत बड़ा प्रचारक समझत है, बड़ा अहंकारी है वो। मैं उसकी दलीलों का जवाब दे सकत हूँ, मुझे उससे कोई डर नहीं। तुम्हें किसी भी धर्म के लोगों के बारे में ऐसी खरी और साफ बातें नहीं करनी चाहिए। ये लोग कुछ भी कर सकत है, तुम अपना इज्जत का ढिंढोरा पीटना छोड़ दो। नहीं लोई नहीं, मुझे सच के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी और मैं इसके लिए तैयार हूँ। सच के बिना सुख प्राप्त नहीं हो सकता लोई। अम्मा नीमा बूढ़ी हो चुकी हैं, हर मुश्किल हालात में हम ही तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। अभी साहिल जबर का मुकाबला हम कैसे करेंगे? तूने सदा मेरा साथ दिया है लोई, अव्वल तो सुल्तान मुझे कोई सजा दे नहीं सकत, और अगर मुझे कोई सजा हो गई
तो इब्राहिम और धर्मदास तुम लोगों का ख्याल रखेंगे। लोई हमारे लिए क्या हुक्म है गुरुजी? बताइए गुरुजी। अरे आओ बिटवा, तारे दोनों को तो पता लग ही गया होगा रे, सुल्तान लोधी ने कबीर को दरबार में बुलायो। तय दोनों इसके साथ जरूर जाना। जरूर जाएंगे अम्मा, बिल्कुल जरूर जाएंगे। मैं वहां किसी को नहीं ले जाना चाहता। बिटवा, धर्मदास को तेरी सारी बानी चुबानी याद रहे, ये तारी मदद करेगा। तो अम्मा का मुझे याद नहीं, मुझे भी तो 7 बरस हो गए गुरुजी की संगत में। वो बात तो ठीक है रे बिटवा, धर्मदास पिछले 12 बरस ही के साथ है, इको अपने गुरु का हर दोहा हर वचन याद है रे, पर ते भी इसके साथ जरूर जाना। वो सही दरबार में किसी ने कबीर के दोहे और बयान नहीं सुनने हैं, उनको तो कबीर का नाम से ही चिढ़ है। आम जनता हिंदू मुसलमानन की बात और है, जो इन दोहों और काफियों के जरिए कबीर से जुड़े हैं, पर ये मजहब के ठेकेदार इसे इत्तेफाक नहीं करत। तुम लोगन को अपने गुरु को बचाने के वास्ते और जनता को भी साथ लेकर जाना चाहिए। हम दो ही नहीं, हमारे साथ और भी बहुत से लोग हैं जो हमारे गुरुजी के शागिर्द हैं। हम उनको इकट्ठा करके गुरुजी के साथ जरूर जाएंगे। अंधेरा पड़ता जा रहा, माँ भी कहती होगी कि मैं लोगों को दुखी करता हूं, लोगों को दुखी देखकर, बहमों भरमों में फंसा देखकर मेरा दिल छन्नी छन्नी हो जाता है। लोग समझते हैं कि मैं आवारा हूं, लोगों से उलझता फिरता हूं। मेरी ये भटकना कब खत्म होगी मेरे मालिक? क्या मैं जंगलों में चला जाऊं? मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे इस अंधेरे में रोशनी की लौ चाहिए। मैं भी तेरा बंदा हूं रे मालिक, फिर मेरा ठिकाना कहां है? सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। शिकायती आ गए। जी हजूर, उन्हें बाहर इंतजार करने के लिए कह दिया गया है। कौन लोग हैं ये? मुल्ला फखरुद्दीन शहर की जामिया मस्जिद के इमाम हैं और पंडित रामकिशन बनारस के मुखराम मंदिर के पुजारी। उन्हें दरबार में हाजिर किया जाए। जी हजूर। मुल्ला फखरुद्दीन और पंडित रामकिशन दरबार में हाजिर हो। अस्सलाम वालेकुम हुजूर वाला। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखें मुल्ला जी। दास का सलाम कबूल करें सुल्ताने सुल्ताना। सलाम पंडित जी, आप भी तशरीफ रखें। शुक्रिया। शेख तकी ने हमें बताया है कि आप दोनों इन्हें मिले हैं और कबीर के खिलाफ बहुत कुछ कहा है। क्या आप अपनी सब शिकायतें कबीर के सामने कह सकते हैं? हुजूरे वाला, हम अपनी तमाम शिकायत शेख तकी साहब को बता चुके हैं, जो आपको बखूबी समझा सकते। हमें शेख तकी की हर बात पे यकीन है। नहीं, आपको अपनी बात खुद बतानी पड़ेगी। जरूरत पड़ने पर शेख तकी अपनी बात कह सकते हैं, काजी साहब सजा तजवीज करेंगे, इसके बारे में फैसला हम खुद करेंगे। अगर आप लोग गलत साबित हुए तो सजा आपको भी दी जा सकती है। यह खास शाही दरबार शेख तकी के कहने पर ही लगाया गया है। कबीर को हम खुद सुनना चाहेंगे। आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं सुल्तान आला। मुल्ला जी, आप बेखौफ होकर अपनी बात कहिए। बिल्कुल हुजूर। पंडित जी, आप भी घबराइए नहीं, अपने एतराजात खुलकर बयान करें। जी सुल्तान आला जो करेंगे ठीक करेंगे। क्या आपके साथ कोई और लोग भी आए हैं?
नहीं हुजूर, हम तो अकेले आए हैं। जी हम भी अकेले ही आए हैं और कोई आने के लिए साथ तैयार ही ना था। हमें समझ नहीं आती कबीर के पास ऐसा कौन सा जादू है कि लोग बड़ी तादाद में उसके मुरीद बन गए हैं। हुजूर, वो अपनी साफ गोई और ठोस दलीलों से लोगों को अपने बस में कर लेता है। वो लोगों से उनकी जुबान में बात करता है, ना कि अरबी या संस्कृत में। वो लोगों को यकीन दिलाता है कि अल्लाह ईश्वर उनके दिलों के अंदर मौजूद है। उसे ढूंढने के लिए किसी मंदिर या मस्जिद जाने की जरूरत नहीं। वो मस्जिद को अल्लाह का घर नहीं मानता? बिल्कुल नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह, उसकी ये जुर्रत। हजूर, वो तो मंदिर में ईश्वर के निवास से भी इनकारी है। वो है कौन, हिंदू या मुसलमान? वो अपने आप को किसी मजहब से नहीं जोड़ता, बल्कि उसके पास हिंदू और मुसलमान दोनों ही जाते हैं। वो सबको सिर्फ एक ही बात कहता है कि सब इंसान बराबर हैं, सब एक ही मट्टी से बने हैं। वो कोई सूफी फकीर है या संत महात्मा? हुजूर, उसमें दोनों ही गुण हैं। वो लोगों में बहुत हर दिल अजीज है, लेकिन उसे लोगों को गुमराह करने का कोई हक नहीं। हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो इस्लाम के खिलाफ गलत प्रचार करे, लोगों को मस्जिद जाने से रोके। उसे मालूम होना चाहिए इस मुल्क में मुसलमान सुल्तान का राज है। हम किसी भी काफिर को सजा देने से गुरेज नहीं करते। हजूर, वो तो ये भी कहता है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक से हसन चढ़े चले, एक बंजा चंजी, वो किसी से नहीं डरता है। वो कोई मगरूर इंसान लगता है। खैर, आज हम खुद सुनेंगे उसे और बाद में फैसला करेंगे। शोर कैसा है? वो लगता है कबीर साहब तशरीफ ले आए। हजूर, कबीर साहब तशरीफ लाए हैं। खुश आमदीद कबीर साहब, खुश आमदीद। हमने आपको तकलीफ दी, हमारा आदाब कबूल फरमाए। आदाब सुल्तान आला, आपने हुक्म दिया और हम हाजिर हो गए। हमसे कोई गलती हो गई का? हमें पता चला है कि आप इस्लाम और हिंदू मजहब के खिलाफ गलत प्रचार करते हैं। मुल्ला जी और पंडित जी कुछ बातें कहते हैं जिनके बारे में हम आपकी राय जानना चाहेंगे। इनके इल्जाम बहुत संगीन हैं। हो सकत हैं सुल्तान, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। मुल्ला जी, पहले आप बात करें। हुजूरे वाला, सबसे पहले तो इनसे ये पूछिए कि ये अपने आप को कबीर क्यों कहलवाते हैं? ये नाम मेरे माँ बाप ने मुझे दिया, अगर मैं भूलता नहीं तो इसके लिए मेरे माँ बाप आपके पास ही आए थे और आपने कुरान शरीफ खोलकर चार नाम तजवीज किए थे। मुल्ला जी, कबीर, अकबर, किबरिया और कुबरा। उन्होंने पहला नाम चुन लिया सो मुझे कबीर कहकर बुलाते हैं, इसमें आपको क्या एतराज? पर हुजूरे वाला, इस लफ्ज के मतलब तो बड़ा या अजीम है और वो तो सिर्फ अल्लाह जल्ल शानहू की जात है। अल्लाह तो हर दिल में बसत है मुल्ला जी। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, हिक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। क्या आप इस बात को नहीं मानते? वो तो ठीक है, पर हजूर, ये नीची जात का हो के ब्राह्मण वाले काम करत है, लोगों को उपदेश देवे है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता पंडित जी, बल्कि कर्म से होता है। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो वान बाट का है नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। आप लोगों को सच का मार्ग क्यों नहीं दिखाते? अगर मैं उन्हें सर से जोड़ता हूं तो इसमें आपको क्या एतराज है? हजूर, इनसे पूछिए इनके माई बाप कौन हैं? अब्बा नीरू और अम्मा नीमा। पर हुजूर, ये नीरू और नीमा की औलाद नहीं है, वही जो जौलाही थे। उन्हें तो टोकरी में तैरता एक बच्चा मिला जिसकी उन्होंने परवरिश की और वो ये कबीर साहब है। उनके अपने कोई औलाद नहीं थी, वो बे औलाद थे। आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपके ख्याल में कबीर किसी की नाजायज औलाद है? हुजूर, कहा जाता है कि वो टोकरी किसी हिंदू बेवा ने बहाई थी। अब ये हिंदू हुआ या मुसलमान? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? इस बात का ताल्लुक आपके सवालों से नहीं मुल्ला जी। याद रखिए, पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जियो तारा प्रभा। हम सबकी एक ही हस्ती है,
क्या आप इस बात से इनकारी? नहीं नहीं, पर मुल्ला जी, अब फजूल में हमारा और अपना वक्त जाया कर रहे हैं। अपने एतराजात की बात करें जो आपने मुझे बताए थे। सुल्तान आला से तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ, ये सब वो आपके अपने मुंह से सुनना चाहते हैं। हुजूर मोहतरम, कबीर साहब इस्लाम के खिलाफ प्रचार करते हैं। मसलन ये राम राम करते हैं, मुसलमान होकर अल्लाह का नाम नहीं लेते। राम या अल्लाह सारे खुदा के ही नाम हैं। एक ही नूर है जो हर शख्स के अंदर मौजूद है। दोई जगदीश कहाते आए, कहू कौन भरमाया। अल्लाह राम करीम कैसा भारी, हजरत नाम धराया। गहना एक कनकते गहना, तामे भवना दूजा। कहन सुनन को दुई कर थाटे, एक निवाज एक पूजा। सोना तो सोना ही रहेगा, चाहे उस पर कोई भी रंग चढ़ा दो। नमाज और पूजा में कोई फर्क नहीं, अगर एक खुदा की बंदगी करनी है। लेकिन कबीर साहब, हिंदू मजहब की किताबें और हैं और मुसलमान मजहब की किताबें और, तो फिर नमाज और पूजा एक कैसे हो सकती है? ये तो सोचने वाली बात है शेख तकी। हमें दोनों के अंदर के मतलब को समझकर उन पर अमल करना चाहिए, चाहे वो किसी भी भाषा में प्रकट किए गए। बैद किताब पढ़े वे कुतबा, वे मौलाना वे पांडे। बिगत बिगत दे नाम धराओ, एक मट्टी के बांडे। वेद और कुरान में कोई फर्क नहीं, दोनों एक खालिक से जोड़ते हैं। हिंदू और मुसलमान एक ही धरती पर रहते हैं, उसी एक कादिर का नाम लेते हैं। अगर इनका मूल एक जैसा है तो इन दोनों में अंतर का है? वो दोनों अपने अपने रास्ते पर चलकर भी अपना रूहानी मकसद हासिल कर सकते हैं मुल्ला जी। पर आप लोगों को मस्जिद जाने से भी रोकते हैं और मंदिर में भी जाने से मना करते हैं। मैं किसी को कहीं जाने से नहीं रोकता, बस ये कहता हूं कि अल्लाह तुम्हारे अंदर मौजूद है, मंदिर या मस्जिद यही है। तुम एक महीने में एक साल में एक महीने के रोजे रख लेते हो तो बाकी दिन क्या करते हो? कबीरा दुनिया धेरे, सीस नवा संजाए। हृदय माही हर बसे, तोता ही लौलाए। किसी को अल्लाह के घर जाने से रोकना तो बहुत बड़ा गुनाह है, आप लोगों को मस्जिद जाने से क्यों रोकते हैं? मैं क्यों रोकूंगा सुल्तान? मैं तो ये कहता हूं कि अल्लाह तुम्हारे दिल के अंदर मौजूद है, इसके अंदर जाने की जरूरत है। क्या मैं गलत हूं? काजी साहब, अगर कोई किसी को मस्जिद जाने से रोकता है तो उसे क्या सजा दी जा सकती है? उसको मस्त हाथी के आगे फिकवाया जा सकता है। यह बहुत बड़ा कुफ्र है जिसकी सख्त सजा देनी चाहिए। लेकिन इसका क्या सबूत है कबीर ने किसी को मस्जिद जाने से रोका है? ये तो मुल्ला जी ही बता सकते हैं। बताइए मुल्ला जी, है कोई सबूत या कोई गवाह जो इस इल्जाम को दुरुस्त कहे? हुजूर, सबूत या गवाह तो कोई नहीं है, पर आप इनकी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत खूब, आप सिर्फ अंदाजों से ही इल्जाम लगाते हैं। क्या इन्होंने कभी आपको रोका है मस्जिद जाने से? नहीं, कभी नहीं। शेख तकी, आप बताइए, क्या अंदाजा इल्जाम की बुनियाद बन सकता है? हो भी सकता है हुजूर, अगर कोई सबूत मौजूद हो तो। है कोई सबूत मुल्ला फखरुद्दीन? नहीं, सबूत तो कोई नहीं हुजूर। बगैर किसी सबूत के कबीर को कोई सजा नहीं दी जा सकती। पंडित जी, आप बताइए, आप कबीर के खिलाफ क्यों? हजूर, कबीर हमारा मजाक उड़ाते हैं। ये तो कहवे हैं, माला तिलक लगाई के भक्ति ना आवे हाथ, दाढ़ी मुछ मुडाई के चले दुनिया के साथ। मैं तो ये भी कहता हूँ पंडित जी, मुछ मुडाए हरी मिले, सब कोई लिए मुंडाए। बार बार के मुंडने भेड़ ना बैंक उठ जाए। बहुत खूब, बताइए पंडित जी, क्या गलत फरमाया कबीर साहब ने? जी हजूर, अब इस बारे में हम क्या कहें? फिर आप क्या शिकायत लेकर आए हैं? हजूर, ये लोगों को तीर्थ यात्रा से मना करते हैं। मैं तो ये कहत हूँ, नाए धोए क्या भया, जो मन मैल ना जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए।
भी खिलाफ है और माला जपने के भी खिलाफ है। ये भी तो दिखावा ही है। कबीरा माला काट की बहुत जतन कर फिर माला स्वास सास की जामे गांठ ना में। असल माला या तस्वीर तो वो है जो हर सांस के साथ ईश्वर का नाम ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर सांस के साथ ईश्वर का नाम बड़ा रूहानी अंदाज है। हजूर ये लोगों की निंदा करते हैं। बनारस में तो हमारी कोई वक़्त ही नहीं रही। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं पंडित जी। इनके इस प्रचार की वजह से शहर में अब कोई हमारी भी इज्जत नहीं करता। मैं किसी की निंदा नहीं करता, बस सच बात करता हूँ। निंदा तो मैं अपने पाँव में पड़े तिनके की भी नहीं करता। तिनका कभू न निंदिए जो पावंतर होए, कभूड़े आंखन पड़े पीर घनेरी होए। हो बहुत हो कबीर साहब, लगता है आपने मुल्ला जी और पंडित जी को बहुत नाराज किया है। एक आपको मस्त हाथी के आगे पिकवाना चाहता है और दूसरा गंगा में। आप ही बताइए ये दोनों नुमाइंदे आपके खिलाफ क्यों हैं? आपने दोनों की बातें सुन ली है सुल्तान। मुझे किसी सजा से कोई खौफ नहीं। मैं तो बस यही कहूंगा, हमरा झगड़ा रहा न कोए, पंडित मुल्ला छाड़े दोए। पंडित मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले हम कछु न लिया। बताइए पंडित जी आपको कुछ और कहना है? अजी हजूर अब हम और क्या कहें। मुल्ला जी कोई और सवाल है आपका? नहीं हुजूर, जैसा आप मुनासिब समझे। शेख तकी आप कुछ कहना चाहते हैं? हुजूर मुझे तो ये बताया गया था कि कबीर साहब के वचन शहर में बदम नहीं फैला रहे हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों ही इनके खिलाफ हैं। मगर हैरानगी की बात है कि मुल्ला फखरुद्दीन और पंडित राम किशन के साथ एक भी बंदा गवाही देने के लिए नहीं आया, जबकि कबीर साहब के साथ हिंदू और मुसलमान दोनों आए हैं जो बाहर बैठे अपने गुरु का इंतजार कर रहे हैं। कबीर साहब की दलीलों के सामने ये दोनों टिक नहीं सके। मुझे अफसोस है कबीर साहब कि इन दोनों की शिकायत पर आपको शाही दरबार आना पड़ा। तो कबीर साहब के खिलाफ कोई इल्जाम साबित नहीं होता। शाही दरबार का कीमती वक्त जाया करने और झूठी शिकायत की वजह से ये सजाएं दोनों को दे दी जाए। मुल्ला जी को मस्त हाथी के आगे और पंडित जी को गंगा में। सुल्तान इनको माफ कर दीजिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोए, जो दिल खोजूं अपना मुझसे बुरा न कोए। सुभान अल्लाह क्या अजमत है। काजी साहब आप बताइए आप किस नतीजे पर पहुंचे? हजूर मेरे ख्याल में तो कबीर साहब के खिलाफ कोई इल्जाम साबित नहीं होते। हम भी यही समझते हैं कि इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया और ना ही इनके खिलाफ कोई सबूत मिला है। हम इस जहमत के लिए कबीर साहब से मुआफी के तलबगार हैं और इन्हीं के कहने पर हम मुल्ला जी और पंडित जी को मुआफ करते हैं। लेकिन ये हिदायत भी देते हैं कि आइंदा ऐसी बेबुनियाद शिकायतें लेकर मत आएं। मैं सुल्तान की लंबी उम्र के लिए दुआगो हूं। अब मैं आसानी से देश यात्रा के लिए जा सकत हूं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना।
खिचड़ी खा ले। खुश खाना है खिचड़ी महीम परा तक नॉन, मास पराया खाई कर गिरा कताबे कौन। गुरुजी आप बहुत थक गए होंगे, आपने देश भर की यात्रा की है, लोगों को ज्ञान दिया है, हमारे लिए और क्या हुक्म है। धर्मदास तुम लोगों ने ही आगे जाकर लोगों को मेहनत और मोहब्बत के रास्ते पर चलाना है। पर गुरुजी हम कौन सी दिशा में जाएं, पूरब की तरफ जाएं या पश्चिम की तरफ, हिंदुओं को समझाएं या मुसलमानों को, एक राह पर दोनों को चलाना बहुत कठिन है गुरुजी। पूरब दिशी में हरि को बसा, पश्चिम अल्लाह कामा, दिल में खोज दिले में देखो यही करीमा रामा। मुझे मेरे असली घर से बुलावा आ गया है इब्राहिम, मैं मगर जाना चाहता हूं। मगर गुरुजी आप काशी छोड़ जाओगे? गुरुजी आपको अपने अंतिम दिनों में काशी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कहते हैं जो बंदा मगर में मरता है वो सीधा गधे की जून में जन्म लेता है, और जो काशी में मरता है वो सीधा स्वर्ग में जाता है। गुरुजी जैसा मगर तैसी काशी, हम एकाएकर जानी, हम निर्भन जोए धन पाया मरते फूट गुमानी। गुरुजी हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? गुरुजी हम इन जालमों का मुकाबला कैसे करेंगे? अब मरूं ना मरूं, मरूं मन मावा सुई मुआ, जिन राम ना जाना मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हद हद करते